एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। डॉक्टर्स के रिजल्ट का इंतजार करना काफी तनावपूर्ण हो सकता है, पर आज गरीब लड़की स्यू के जीवन में बदलाव आने वाला है। वो मॉमी बनने वाली है। अमीर लड़की एली के पास भी खुश होने की वजह है, वो भी प्रेग्नेंट है। उनकी जर्नी शुरू होती है। फैशनिस्टा एली को जो चाहिए वो उसे पानी की आदत है, और उसे वो अभी की अभी चाहिए। उसके बच्चे को सबसे बढ़िया चीजों की जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड को क्रेजी प्रेग्नेंट औरत की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। वो कितनी जल्दी टीवी के अंदर से होकर भी आया। अमीर प्रेग्नेंट लड़की को अपने बच्चे के लिए बूट्स मिल गए। गरीब लड़की स्यू के पास इतने पैसे नहीं है, पर उसका शॉपिंग पर जाने का बहुत मन है। जो मौके की तलाश करता है वो उन्हें ढूंढ लेता है। वाह, वो खुशी से पागल हो गई है। क्या ये प्राइस है? वो बिल्कुल फ्री है। इतनी लकी वो फिर दोबारा कब होगी? ये बहुत खूबसूरत है, बच्चा खुश हो जाएगा। सू को अपनी अलमारी में से धूल मिट्टी से भरा एक खजाना मिला। ओह, गरीब प्रेग्नेंट लड़की खुश नहीं है। ऐसा मोबाइल उसके बच्चों को सुलाने में मदद नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा जादू और मिठाइयों से भरी एक प्लेट खिलौना तैयार है। ओह, जाहिर है कि मॉम को अपने आप सब ट्राई करके देखना होगा। ये स्वादिष्ट और खूबसूरत दोनों है। जब आप अमीर हो तो फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। एली ये सब बहुत गंभीरता से लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को एक नया मिशन मिल गया है। ऐसा मोबाइल किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। मोबाइल इंटीरियर से बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ तक कि बॉब भी सीधा खड़ा नहीं रह पाया, वो बहुत एक्साइटेड था। शायद नीचे से व्यू काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। एली पढ़ कर थक गई है, अब ये स्नैक खाने का समय है। बेचारा बॉब, इस बार उसे कौन सा काम मिलने वाला है? शायद थोड़ा सलाद। लोग कहते हैं कि सब्जियां हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। चिप्स के बारे में क्या ख्याल है? हमें प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। बेमिसाल, ये तो असली का चॉकलेट बर्गर है। नकचड़ी ईटर एली अभी के लिए खुश है, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। ध्यान से, स्वीट्स पिघलने वाले हैं। स्यू स्नैक खाना चाहती है। ओ नहीं, गलत समय पर उसका सीरियल खत्म हो गया। खैर, उसे अपने फ्रिज में कुछ देखना होगा। गरीब लड़की की किस्मत खुल गई। वो ये टीन्स पाकर बहुत गर्व महसूस कर रही है। दूध वाला सार्डिन्स। शेफ्स हैरानी से सुन हो गए। कभी कभी प्रेग्नेंट औरतों का कुछ अजीब चीजें खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी स्पोर्ट्स बंद करने का बहाना नहीं है। स्यू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अगर उसके पास जिम के लिए पैसे नहीं है तो वो वर्कआउट करने के लिए घर में ही घूम फिर सकती है। उसे इस वॉक को यूजफुल बनाना होगा। स्पोर्ट क्लीनिंग में गरीब लड़की प्रोफेशनल है। अमीर अली भी शेप में रहना चाहती है, पर वो जिम में पसीना नहीं बहाना चाहती। उसके पास एक बढ़िया बहाना है, प्रेगनेंसी। बॉब उसके लिए खुद जिम कर रहा है। उसका भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड जानता है कि इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। बेचारा लड़का, लगता है उसकी ताकत खत्म हो रही है। हर एक माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा होशियार हो। स्यू भी उनमें से है। एक डोनट कहाँ से आया? स्यू का दिमाग उसके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए प्लास्टिक रिंग अच्छी डाइट नहीं होती। क्या वो दोबारा फेल हो गई? बिल्कुल नहीं, स्यू दोबारा बुद्धू नहीं बनेगी, पर उसे होना चाहिए, वरना उसे आइसिंग शावर मिलना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। उसने शानदार डोनट खराब कर दिया। कौन सा अमीर इंसान स्वीट्स को ना कहेगा, खासकर जब उसका आकार पिरामिड जैसा हो। स्वीट्स के लिए पैसे भरना कोई नई बात नहीं है। एली को कैंडी बेहद पसंद है, पर ये गंदा सा स्वाद क्या है? एक रिंग, एक और। ये बेहतर नहीं है, ये अच्छी नहीं है। बेचारे सिक्योरिटी गार्ड पर डोनट्स का हमला हो रहा है। खैर, एली अपनी भूख को मिटाने के लिए आखिरी कोशिश करती है। फिर दोबारा बॉब से जाकर टकराया। प्रेग्नेंट औरत को और किसकी जरूरत है? ये एक राज है।
एली को महंगे तोहफे बहुत पसंद है और बॉब उसे वो देने हाजिर है, पर अमीर प्रेग्नेंट लड़के के जीवन में सस्ते तोहफों की बिल्कुल जगह नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा ग्लू और कुछ एक्सेसरीज और वोला, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक जूते बनाने वाला और एक ज्वेलर, और ये सभी का कॉम्बो है। इन जूतों की चमक बहुत ज्यादा है। अमीर लड़की हद से ज्यादा खुश है, पर लंबे समय तक नहीं। उसकी एक्सेसरीज खो गई है और साथ ही साथ बॉब के लिए उसका भरोसा। सियो एक रिसोर्सफुल लड़की है, उसने एक खास जूते अपने आप कचरे वाले थैले से बनाए है। वो एक माँ और एक डिजाइनर भी है, ये बहुत बढ़िया है। वाह, यहाँ ढेर सारी ट्रीट्स है। पर आली किसी चीज को लेकर खुश नहीं है, एक कॉल इस समस्या को हल कर देगी। ये पागल लड़की क्या करने वाली है, एक शानदार कॉकटेल ही है जिसकी उसे जरूरत है। सबसे जरूरी चीज है इस कलोनरी मास्टरपीस की सामग्री चुनना, पर अभी खत्म नहीं हुआ। ओह नहीं, बॉब बच्चों के जैसे बर्ताव कर रहा है, लगता है उसे मजा आ रहा है, इकलौता नहीं है। ओह बच्चा थोड़ी अटेंशन पाने के लिए किक मार रहा है। गरीब सियो को दर्द हो रहा है, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अंदर से एक और किक, तुम्हें कैसे रोकोगे। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक स्थिति को संभाल लेगा और लड़की को थोड़ी शांति और सुकून देगा। गरीब सियो दिन में सपने देखने लगी। छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देना खतरनाक हो सकता है, ये आपके गंजे होने के चांसेस को बढ़ाता है। सियो को जवान गंजी मॉम वाली लुक नहीं चाहिए। एली ने एक चीज को बहुत बारीकी से सोचा। अमीर लड़की को काम करना पसंद नहीं है, पर उसे बॉब से मदद मांगना बहुत पसंद है, वो बहुत होशियार है। अमीर लड़की को खाने में कुछ बढ़िया चाहिए। खैर, उसका सिक्योरिटी गार्ड बॉब उसकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है, पर स्वीट्स की पूरी प्लेट भी एली को खुश नहीं कर पा रही। क्यों ना हम थोड़ी सॉस डाल दें? ये और भी ज्यादा अजीब लग रहा है, पर आप प्रेग्नेंट औरत को रोक नहीं सकते, वो सब कुछ खा जाएगी। तुम ये खा भी कैसे सकती हो, बॉब भी एक चखना चाहता है। ओ या, ये बेहुदा है। उसे जल्द से जल्द और चाहिए। ये स्नैक बहुत तीखा है, पर प्रेग्नेंट लड़की जानती है कि उसके लिए क्या बेहतर है। बहस करना बढ़िया आइडिया नहीं है। आंसू बहाने का मनोरंजन बढ़िया चल रहा है। सोने के लिए आरामदायक पोजीशन ढूंढना एक चुनौती हो सकती है, खासतौर पर अगर एक बार दो लोग कंफर्टेबल होना चाहते हो, मम्मी और बच्चा। गरीब सियो को ढेर सारी पोजीशन से गुजरना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी हिल डुल ले, पर फिर भी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। मेडिटेशन उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा है, और स्टैंडिंग पोजीशन में सोना अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक स्लीपिंग बॉल क्रॉनिक इंसोम्निया वाली मम्मी के लिए ये बढ़िया चॉइस है। अमीर एली भी बहुत परेशान है, वो बैठने की आरामदायक पोजीशन कैसे ढूंढे। रुको, प्रेग्नेंट औरतों को घबराना नहीं चाहिए, अगर पॉप पास में है तो चिंता क्यों करनी। खैर चलो बिस्तर को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। यहाँ कितनी सारी तकिया और कंबल है, उतने जितने एली को चाहिए। सबसे जरूरी चीज है कि एली को बहुत मजा आ रहा है और बॉब को इतना नहीं। गरीब और अमीर दोनों बड़े बड़े सपने देखते हैं। सियो सिर्फ कैफे में जाने के सपने देख सकती है, खासकर बच्चे के साथ। लगता है गरीब लड़की मुसीबत में फंस गई। कुछ सिक्के और पुराने बैंक नोट्स काफी नहीं है। इतनी गंदी बदबू किसकी आ रही है, ये इसकी है। गंदी बदबू का छोटा सा जरिया। ये वेटर बहुत इंडिपेंडेंट है, वो खुद ऑर्डर लेता है और खुद ही पैसे भर देता है। ये सियो के लिए बढ़िया दिन है। एली को सपने में सब कुछ रेनबो से भरा हुआ है। जाहिर है टेबल पर केक्स का ढेर पड़ा हुआ है। बिल पर हंसना अमीर लड़की के लिए एक आम बात है।
पर ये क्या है? क्या अमीर लड़के के पास पैसे खत्म हो गए? डायपर्स की छोटी सी तिजोरी हमेशा उसके पास रहती है। ये फिर से भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है बेचारे लड़के को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि बॉब को इस नौकरी में कई परेशानियों से गुजरना पड़ा।